सीएससी के इमरजेंसी बेड पर कुत्ते और जिला अस्पताल के इमरजेंसी में आवारा पशु घूमने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर योगी सरकार पर कसा तंज। प्राथमिक जांच में मल्लीपुर सीएससी केंद्र प्रभारी नपे। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर योगी सरकार में एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक अलग अलग जनपदों में भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं, तो वहीं यूपी के कुछ जनपदों में कुछ तस्वीरें स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलते हुए दिख रही हैं। श्रावस्ती में भी स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग बेहद निष्क्रिय नजर आता है, जिसकी वजह से पिछले दिनों से सीएससी मल्लीपुर के इमरजेंसी वार्ड के बेड पर कुत्ते आराम फरमाते हुए नजर आए, तो जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आवारा पशु बेखौफ खड़े नजर दिखाई दिए, जिनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग जनपदों में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जनपद श्रावस्ती में वायरल हुई दोनों वीडियो पर सीएमओ शारदा तिवारी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, ड्यूटी पर रहे कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की यदि लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों में कुत्ते और आवारा पशु पर राजनीति भी जोर पकड़ती दिख रही है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर योगी सरकार पर कड़ा तंज कसा है और कहा है कि बाबा के राज में इंसानों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही, लेकिन अस्पताल में बिस्तर पर कुत्ते पांव फैलाए हैं। और मैं लगातार इस विभाग से भी संबंधित हूँ, क्योंकि मैं आता जाता रहता हूँ, लोगों की समस्याएं हमारे जो गांव पंचायत की है। यहाँ इस जिला चिकित्सालय में आप खड़े हुए हैं, कैसी व्यवस्थाएं मिलती हैं, क्या व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? यहाँ व्यवस्थाओं से संतुष्ट होने की बात ही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही लचर। इस लचर व्यवस्था के लिए आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अवहेलना हो रहा है, और इसका जो है प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी तो उनको दिखाने के लिए केवल एक व्यवस्था को सुचारू रूप से किया गया, उसके बाद जैसे कि तैसे पुरानी व्यवस्था पे चल रही है, यह कोई ढंग से कार्य नहीं हो रहा। अब व्यवस्थाओं में क्या क्या देखने को मिलता है आपको? देखने को ये मिलता है कि यहाँ बताया जाता है कि 8 बजे से 11 बजे के बाद कोई जाँच नहीं हो पाई, ये सबसे बड़ी समस्या है। आदमी अपने घर से आता है 10 बजे, वहाँ से आता है, और उसके बाद उसको अगर व्यवस्था सुचारू रूप से न मिल पाए, उसकी जांच न हो पाए, वो गरीब आदमी अपने 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आता है, 100-200 रुपए की जो है खर्चा करके आता है, उसके बाद ये व्यवस्था न हो पाए तो ये शर्मिंदगी की बात। इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, या फिर डॉक्टर्स को, या जनता को? यहाँ के व्यवस्था सिस्टम को मैं करना चाह रहा हूँ ना। भारत सरकार ने सारी व्यवस्था दे रखी है, राज्य सरकार ने भी दे रखी है, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा। हम स्वयं जांच करने जा रहे हैं अभी मल्लीपुर में, जो भी संबंधित कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी थी, लापरवाही अगर उनकी पाई जाती है तो उनको दंडित करने की कार्रवाई हम करेंगे। यदि आगे भी ऐसी कोई कमी पाई गई फिर तो आगे उनको दंडित किया जाएगा, जो भी मिलेंगे जिनकी लापरवाही होगी उनको दंडित किया जाएगा।